नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि विवाह किसके साथ करें और न करें, और भरोसा किस पर करें और किस पर न करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भागवत गीता से लिया गया है। कृष्ण कहते हैं विवाह के संबंध में, रूप और कुल में श्रेष्ठा कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो भी उससे विवाह नहीं करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही शोभा देती है। विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की क्यों न हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो भी उसे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठ भेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुल वैसेने च सख्यम, अर्थात मित्रता एवं विवाह समान में ही शोभा देती है, बराबरी में ही शोभा देती है। विजातीय अथवा असमान विमेल विवाह में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती है। यद्यपि मनुस्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने में यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल हो जाती है, यह उनका परिणाम सुखद नहीं रहता है। इसलिए अपने बराबरी में ही विवाह या मित्रता करनी चाहिए। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ही नीति संगत है। इसलिए बेमेल विवाह नहीं करना चाहिए, अपनी बराबरी में ही विवाह और मित्रता करनी चाहिए। भरोसा किस पर करें और किस पर न करें। कृष्ण कहते हैं कि विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सिंह वाले पशुओं, शस्त्रधारी स्त्री और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं है। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा ही खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर भरोसा न करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो उसका सावधान रह करके आवश्यकता है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि सिंह वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे या अपने जुनून में आक्रमण कर दे। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आँख मीच करके विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उसके मन में क्या है और वे अपने संकीर्ण सोच प्रति इससे द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दें बैठे या आपको गलत अपने मनोकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दें। कृष्ण कहते हैं कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है और करती कुछ है। वे प्रेम किसी अन्य से करती तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती है, इसलिए उनकी स्वामी भक्ति और पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विचार से राजनीतिक सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता पाने के लोभ में कूट चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र और शत्रु सामयिक हानि लाभ कर निर्भर करते हैं। इस पक्ष से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डाल देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से हुए बहन देवकी को पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था, अतः कृष्ण के अनुसार
अच्छा संबंधित शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है। यही नीति कहती है। कृष्ण साधक की महत्ता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदी में से भी सोना ले लेना चाहिए, नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो भी उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह से यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत स्वर्ण विद्या तथा गुण और स्त्री रत्नों को ग्रहण करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वह इनके ग्रहण में गुण को महत्ता दे, स्रोत को नहीं, अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपलक्ष्य तो साध्य है, साधन नहीं। कृष्ण कहते हैं कि एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उनका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल से उत्पन्न हुई हो पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह उन्होंने उसके गुण की ओर संकेत किया है, केवल मात्र रस्सी की भांति उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो वो कृष्ण यह भी स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णता परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर पर समान विचार वाले परिवारों में विवाह न होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है, किंतु इसके बाद भी गुण का महत्व सर्वोपरि है, उसे परखने में भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।